नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाई क्यों में। और आप लोग पढ़ रहे हो ये चाय 141 हिस्ट्री ऑफ चाइना इन हिंदी, ठीक है। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूनिट नंबर 8। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से चाइना में 1911 का रेवोल्यूशन हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि जो यूएनशर खाया था उसने मानचूज को हटा करके खुद तो सत्ता पे बैठा ही बैठा, और जो रिपब्लिकन का वो नारा देते थे कि हम रिपब्लिक स्टेट बनाएंगे, सबको इक्वल राइट्स देंगे, वो उस चीज़ को उल्टा दबाने में लग गया और सत्ता पे कब्जा कर लेता है एक तरीके से, ठीक है। और किसी को भी और पावर में आने नहीं देता है। रिपब्लिकन जो डेमोक्रेटिक की बात हो रही थी वो सब खत्म हो जाती है। तो इसके आगे की कहानी क्या होती है आज हम लोग देखेंगे, ठीक। इसी दौरान क्या होता है, 1911 का जब रेवोल्यूशन खत्म होता है उसके बाद काफ़ी टाइम तक चीज़ें सही से रहती नहीं है चाइना में। हम उन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पैरेलली क्या चालू हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, है ना। अब सब जानते हैं 1917 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 तो शुरू ही हो चुका था, उससे पहले से उसकी बैकग्राउंड शुरू हो गया था, है ना। तो जो लीडर्स थे कुओमिंगतांग के, है ना, यूएन शिखाए की एक पार्टी थी और दूसरे कुओमिंगतांग के पार्टी के लोग थे। तो वो लोग जो जीतते हुए भी उतना नहीं कब्जा कर सत्ता में थे, वो लोग कुओमिंगतांग पार्टी के थे। वो पहले क्या थे, सीक्रेट सोसाइटी के थे, लेकिन अब वो लोग सीक्रेट सोसाइटी ना होके एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुके थे, ठीक। अब इन सब ने देखा कि यार ये जो यूएन शिखाए का तरीका था, यूएन शिखाए बड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया कि यूएन शिखाए रेवोल्यूशन से पहले क्या था, रीजनल आर्मी का चीफ था, है ना। और जब वो सत्ता में पहुंचता है तो उसने उस आर्मी का बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया और उसकी आर्मी बहुत मॉडर्न थी। तो इस चलते बाकी लोग जो पैरेलली उसके साथ आर्मी बनी थी, रीजनल आर्मी और भी, वो टिक नहीं पाई उसके आगे और वो बुरी तरीके से कब्जा कर लेता है ना। अब चारों तरफ से एक तरीके से चाइना में चीज़ें चल रही थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी तो सोशल प्रॉब्लम ऑब्वियस होगी, है ना। तो इसका फायदा उठाते हुए कुछ एक जो थे ना, तिब्बत मंगोलिया वगैरह, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है। और इसी का फायदा उठा करके कुछ एक वारलॉर्ड्स सामने आते हैं। वारलॉर्ड्स कौन हो गए, पावरफुल रिच लोग थे, है ना, उस जमाने में चाइना में। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उठा करके, उन्होंने यूएन शिखाए का तरीका देखा, उन्होंने कहा ये तरीका सही है यार, अपनी आर्मी बनाओ और एरिया पे कब्जा कर लो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये लोग धीरे धीरे वारलॉर्ड्स बनने लग गए, पावरफुल बनने लग गए, अपने इलाकों में लूटपाट करते थे, जनता से ज़बरदस्ती पैसा उठाते थे, है ना। जैसे आज की डेट में भी आप देखो, होते हैं ना कई बार, आप देखते हो डॉन वॉन है और पैसा उगाही वगैरह करते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी करते थे, ठीक है, अपने इलाके में ज़बरदस्ती पैसा लेना, गवर्नमेंट के टैक्स के अलावा भी अपना पैसा मारपीट के छीनना लोगों से, है ना, काम करने वालों से भी। और दूसरी तरफ पैरेलली क्या चल रहा था, इंटेलेक्चुअल्स का क्लास डेवलप हो रहा था मॉडर्न एजुकेशन के वजह से चाइना में, ठीक है। जो पुराने किसी भी कस्टम वस्टम से अलग थे, बिल्कुल नया मॉडर्न कल्चर ला रहे थे, और यही लोग आगे चल करके May 4th का रेवोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। May 4th 1919 का इंसिडेंट होगा। ये लोग जो न्यू यूथ थे वो लोग बड़े इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न थिंकर से, जैसे मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, चेस बिल, और साथ ही साथ बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में जीती थी अभी ना, और उस रशिया ने जब बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आती है तो उसने जितना भी जार ने ट्रीटीज, अनइक्वल ट्रीटीज साइन कर रखी थी, वो सबको स्क्रैप कर दिया कि हम कोई ट्रीटी नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ा लोग प्रभावित थे, है ना। और इन्हीं के बीच में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी जन्म होता है इन्हीं सब प्रिंसिपल्स के साथ। अब चेंजिंग इकोनॉमिक सीन कैसे होता है, जब वर्ल्ड वॉर 1 का पीरियड चल रहा था तो चाइना की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है। कैसे, क्योंकि देखो जो वेस्टर्न पावर्स थे, है ना, उनका आपस में कंपटीशन चल रहा था, लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे आपस में, और फ्रंट्स पे भी, वेस्ट यूरोपियन फ्रंट पे भी लड़ाइयाँ चल रही थी, यहाँ तो चल नहीं रही थी। तो इसका फ़ायदा किसने लिया, वारलॉर्ड्स ने फ़ायदा लिया। उन लोगों ने इन लोगों को मैन पावर देना शुरू किया, ठीक है, हम तुमको मैन पावर देते हैं भाई, और तुमको हम अपना रिसोर्सेज भी देंगे ला करके तुमको जो चाहिए। तो इस तरीके से
इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट भी मिला, लेकिन साथ में वॉरलॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। वॉरलॉर्ड्स जो थे, आप वॉरलॉर्ड्स का कंसेप्ट अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, मैंने पहले ही समझा दिया। यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि दो फैक्शंस हो गए, वू वेई फू और साओ कून, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप ये जान लो कि वो लोग क्या करते थे, लोकल बुलिस थे, बैंडिट्स थे, चीफ्स थे, है ना, ये सब लोग सत्ता के चक्कर में लग गए थे। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाते थे, फिर बड़े ग्रुप में मिल जाते थे, बड़ा ग्रुप और बड़ा ग्रुप बनता था, दूसरे ग्रुप को दबाने की कोशिश करता था। बस यही चल रहा था चाइना में, एकदम मतलब सोशल टर्मोइल टाइप में हो गया था, ठीक। और जो गवर्नमेंट सत्ता में बैठी हुई थी वो ये सबको रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं था। आप सब समझ सकते हो, पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और वेरस ये लोग खूब पैसा उगाही कर रहे थे, जो सेंटर तक पैसा जाना चाहिए था वो तो जा ही नहीं पा रहा था, ये लोग अपने रीजन में ही दबा लेते थे पैसा, ठीक। तो सेंटर तो एकदम बहुत हालत ख़राब थी सेंटर की। वारलॉर्डिज्म फॉरेन पावर्स के साथ कैसे मिल के काम किए, अब ये लोग जो थे वारलॉर्ड्स, इन लोगों ने स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो फॉरनर्स थे उन लोगों को कहीं ना कहीं लड़ाइयों का ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उनके पास अच्छे औजार थे, है ना, एम्यूनेशन ज़्यादा अच्छे थे, उनको यूज़ करने का एक्सपीरियंस था। तो इन लोगों ने इवन उनको भी अपने यहाँ रिक्रूट किया, इतना पैसा कमाने लग गए थे ये लोग, ठीक है। और इनके अपने फाइटर बॉम्बर्स भी थे, ये सोच के देखो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 अमेरिकन पायलट्स इनके बॉम्बर्स उड़ाते थे, ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छा खासा अपना आर्मी बना ली थी, बिल्कुल पूरी पावरफुल। और जो पेचिंग में गवर्नमेंट बैठती थी ये उसको भी मतलब हिलाने में लगे रहते थे एकदम। तो इस तरीके से इन लोगों ने पूरा माहौल को, सोशल माहौल कैसा चल रहा होगा आप इमेजिन ही कर सकते हो, है ना। इसी बीच 1960s में जापानीज गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी लॉन्च करती है, और वो जो गवर्नमेंट थी त्वान छी रुए की, मिस्टर त्वान की, आप याद रखो त्वान की जो गवर्नमेंट थी, आनहुए गुट का फैक्शन का, है ना, उसकी, तो उसको ये लोग फुल सपोर्ट देते हैं, ठीक। उसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन देते हैं, ठीक, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। 2 साल में कहा जाता है लगभग लगभग 150 मिलियन येन दे दिया उसको, ठीक है, इन लोगों ने, कि तुम वहाँ डेवलपमेंट करो पॉलिटिकल और मिलिट्री पर्पसेस के लिए उन्होंने दिया। अब फ्री में तो कोई थोड़े पैसा देता था, वो चाहते थे कि हाँ भाई तू पैसा ले और हमें कंसेशन दे, एरियाज दे, जैसे आज चाइना करता है कि दूसरे एरिया में जाकर के कहता है डेवलपमेंट करा लो हमसे, और जब वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो उठा करके उनसे उनका एरिया मांग लेता है, हमें ये एरिया दे दो वो दे दो, कब्जा कर लेता है उनके ज़मीन पे, है ना। देख रहे हो ना, श्रीलंका का जब हमन टोटा कब्जा कर लिया, पर लोग अभी भी नहीं सुधर रहे, लोगों की मजबूरी भी है कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक प्रेशर के कारण लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। फिर अब देखो दो टाइप की गवर्नमेंट हो गई ना, एक तो ये वॉरलॉर्ड्स की गवर्नमेंट हो गई, और एक हो गई जो रियली सच में गवर्नमेंट थी युआन शिखाई की। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई हम जो है वार पार्टिसिपेशन आर्मी बनाएंगे जापान की मदद से, और इसको हम भेजेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स को हेल्प करने के लिए। आर्मी यूरोप तो गई नहीं कभी, बट हाँ जो यूएन था उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ और बढ़ गई, ठीक। अब इससे जापान को भी फायदा हुआ, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी, तो जापान में चाइना में इनरोड्स, और उसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली फायदा होने लग गया चाइना में, ठीक है। अब वॉरलॉर्डिज्म सोशल टर्माइल कैसे था, एक तो देखो ये लोग क्या करने लगे, जबरदस्ती ना गांव गाँव में जाकर के ओपियम को जबरदस्ती उगवाने लग गए, कैश क्रॉप की तरह, ठीक है। अब जब खेतों में ओपियम उगेगा तो जो खाने की चीज़ है वो नहीं उग रही है, वो नहीं उगेगी तो ऑब्वियस ही बात है खाने की चीज़ों की कमी हो जाएगी, टैक्स भी कम जाएगा सरकार को, है ना, क्योंकि ये सब तो 2 नंबरी का काम था, ये तो पूरा का पूरा लेके चल जाता था, टैक्स तो गवर्नमेंट को जाता ही नहीं था। तो टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं गया तो उससे क्या हुआ, इरिगेशन के लिए जो फंड्स थे वो नहीं हो पाए, फ्लड कंट्रोल की जो फैसिलिटीज थी वो नहीं कर पाए, तो डिजास्ट्रस फ्लड्स देखी जाती है चाइना में भयानक तरीके से, ठीक है। और इससे ज़बरदस्त इकोनॉमिक लॉस होता है,
और बहुत लोग मारे जाते हैं नॉर्थ चाइना में, और वन ऑफ द बिगेस्ट कहा जाता है कि माइग्रेशन शुरू होता है, जहाँ वॉरलॉर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी थे, वहाँ से लोग भागने लग जाते हैं दूसरी जगह जहाँ पे बेटर लाइफ हो सके। तो ये चाइना का एक डार्क हिस्ट्री भी आप कह सकते हो कि वॉरलॉर्डिज्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो होप आप इसका अच्छे से लिख पाओगे अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन है आपको, है ना, वॉरलॉर्डिज्म पे। इसी बीच जापान क्या करता है, 21 पॉइंट्स की अपनी डिमांड दिखा रख देता है इनके आगे, 21 पॉइंट्स की। ठीक, क्यों रखता है वो 21 पॉइंट्स की बात? देखो होता क्या है कि चाइना में बहुत सारे वेस्टर्न पावर्स थे, है ना, और इन वेस्टर्न पावर्स में से मेनली कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रशिया था। इन चारों का पावर कंसोर्टियम था। इन्होंने ना एक मोनोपोली का ट्रीटी साइन कर ली चाइना के साथ कि चाइना जो है सिर्फ इन्हीं को राइट देगा फंडिंग और कैपिटल का। ठीक, अब इससे जापान को लगा यार ये तो एक तरीके से जापान का बॉयकॉट करना हो गया, है ना, कि उनको नहीं दे राइट है ये चीज़ करने का, जबकि वो भी कर सकते थे ये चीज़। तो उसने इस चीज़ को लिया कि भाई ये तो हमारे अगेंस्ट है। ठीक है, और इसी को अगेंस्ट में उसने स्ट्रांगली 21 डिमांड रख दी चाइना के सामने में। ठीक है, और कारण बहुत सारे थे जापान के पास इन 21 डिमांड को रखने का। उनका इंटरनल बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, है ना, वो लीडर बनना चाहता था ईस्ट एशिया का। तो इसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते और आपकी बुक में भी नहीं मेंशन है। तो जापान ने इस तरीके से, जापान चाहता था कि जो भी चाइना का रिसोर्सेज है, मार्केट है, आउटलेट्स है, ये सब उसी को मिले। ठीक है, इसलिए उसने 21 डिमांड रखी। और वर्ल्ड वॉर वन के वजह से उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी, ठीक, कि हाँ वो यहाँ पे कब्जा कर सकता है। ये 21 डिमांड्स अगर चाइना मान लेता तो उस जापान को भी वही राइट्स मिल जाते जो यूरोपियन पावर्स को चाइना में मिले हुए थे। ठीक है, और ये वो रखने के लिए क्यों काबिल बना, क्योंकि उसने जर्मनी को जो शानदोंग एरिया है ना शंघाई के पास का ईस्टर्न एरिया, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार ना, मैप भी देखना जरूरी है यार दोस्तों, तो क्लियर होनी चाहिए पिक्चर किस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये तो अपना प्यारा दिल्ली है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, और वापस चलो चाइना। हाँ ये देखो, ये शंघाई है ना, ये शंघाई के ऊपर का एरिया है शानदोंग, ये वाला जो है ना, ये पूरा एरिया छिंगताओ वगैरह, ये वाला एरिया प्रोविंस है, मतलब शानदोंग क्या है, पूरा एक प्रोविंस है। ठीक है, ये पूरा एक प्रोविंस जो ईस्टर्न चाइना का है ना वहाँ पे। अब देखो चाइना जापान से ज़्यादा दूर नहीं था, है ना, एकदम स्ट्रेट ही था। उसने कोरिया पे तो कब्जा कर ही रखा था चाइना ने, कोरिया से डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत ही नहीं हुई उसको। तो उसने जर्मनी को हराया शानदोंग में, तो वो चाहता था हाँ भाई हमें लीज होल्ड पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक राइट्स वगैरह जो जर्मनी को दिए हुए थे वो हमें भी दो। अब युआन शिरखाई उस जमाने में चाइनीज प्रेसिडेंट था, तो ये डिमांड रखी जाती है 7 मई 1915 को चाइना के सामने जापान ने रखी। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, एक तो वो चाहता था कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जापनीज पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री एडवाइजर्स, वो चाइनीज गवर्नमेंट उनको एंगेज करे अपने यहाँ। दूसरा वो चाहता था कि जापान जो है, चाइना जो है उनको राइट दे कि वो हॉस्पिटल, स्कूल, टेंपल्स वगैरह चाइना के इंटीरियर में बनाए। ठीक, फिर वो चाहता था उनको, अगर उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी राइट दिया जाए। ठीक, साथ ही आर्म्स, आर्मामेंट्स और एक्सपर्ट्स को चाहिए हो जो चाइना को, वो जापान से बोले। साथ में वो रेलवे कंस्ट्रक्शन का भी राइट चाहता था साउथ चाइना में। ठीक, तो ये सब डिमांड उसने रखी, 21 डिमांड पूरी नहीं मेंशन करी, चार पांच जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट डिमांड्स थी, ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए 100% आएगी, तो आप ये पूरा अच्छे से लिख के आना। ठीक है, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। तो जब पीस ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स हो रही थी तो उस समय चाइना से भी मिशन जाता है, दो लोग दो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिपब्लिकन साउथ चाइनीज जो गवर्नमेंट थी वो, और जो पेचिंग में गवर्नमेंट थी वो, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। उन लोगों को बड़ा होप था कि यार हम लोगों ने इतना ज़्यादा हेल्प की है,
अपने मैन पावर वगैरह दिया था, रिसोर्सेज भी दिया, तो उनको था कि हाँ हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उनसे निजात मिलेगा। लेकिन वहाँ जाके उनको तो देखा बिल्कुल उल्टा ही कि भाई जो वेस्टर्नर्स हैं उन लोगों ने तो भाई जापान को पहले से ही प्रॉमिस कर रखा है कि शांतोंग एरिया वगैरह हम तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको यहाँ तक शौक लगा कि एक सीक्रेट ट्रीटी तक हुई थी जो कि फरवरी 1917 में ही हो चुकी थी है, जापान फ्रांस ब्रिटेन और इटली ने कर ली थी जापान के साथ पहले ही ट्रीटी कि हाँ हम तुमको शांतोंग एरिया दे देंगे। अब इससे चाइना में बड़ा झटका लगा चाइना को, है ना, और ऊपर से जो तुआन छी रुए था है ना, उसकी गवर्नमेंट ने भी जापान के साथ कोलेबरेशन कर रखा था निशी हारा लोन्स के लिए। उसने क्या कर रखा था, उसने कह रखा था कि जापनीज फाइनेंशियल हेल्प लेगा तुआन, और बोल रखा था कि एक तरीके से कि जो शांतोंग एरिया वो वहाँ उसको पूरा रेलवे राइट्स दे दिया था तुआन ने। तो ये भी एक बड़ा झटका था लोगों को जब पता चला ये चीज़ें। तो जब लोगों को ये चीज़ें पता चली, ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स में ये चीज़ें सामने निकल के आई, तो लोग रोड पे आ गए, है ना, लोगों ने बड़ा हंगामा किया कि भाई लोगों को जो होप थी उसमें लोगों को बिट्रेयल फील हुआ कि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस थे, फॉरेन गुड्स थे, फॉरेन पोस्ट थे, ऑफिसेस, टेलीग्राफ, जुडिशियल सिस्टम, लीज टेरिटरी, फॉरेन कंसेशन, फिक्स टेरिफ्स, ये सब के सब जो हटने वाले थे, वेस्टर्नर्स ने प्रॉमिस किया था, वो कहीं नहीं जा रहे भाई, वो वहीं के वहीं रहेंगे, वैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। और चाइना ने जो मदद की वो सब के सब वेन में चला गया। तो लोगों ने अपना अपना दर्द अलग अलग तरीके से निकाला, है ना, और इसी बीच जो पैट्रियाटिक और नेशनल आउटरेज निकलता है लोगों का, चाइना ने डेमोन्स्ट्रेशन खूब बड़े लेवल पर देखने को मिलता है 4 मई 1919 को पेचिंग में, ठीक है। पेचिंग में बहुत बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन कहीं ना कहीं जापान के अगेंस्ट था, वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स के अगेंस्ट था, और पेचिंग के जो वॉरलॉर्ड्स थे उनके भी अगेंस्ट था, ठीक। तो होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया हो फ्रेंड्स। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे May 4th मूवमेंट क्या था, जो अभी हमने पढ़ा, क्या 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 रहा वहाँ पे, कैसे कैसे लोगों ने प्रदर्शन किया, और एमर्जेंस ऑफ कोमिंगतांग जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो कैसे इमर्ज होती है अब, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।